हेलो दोस्तों, प्रभु हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। मैं तुम्हारा भाई सग्गू मुजफ्फरनगर से। आज जो है हमारे पास एक ट्यूब है जो खुलकर आई है, जिसमें समस्या है टायर खाने की भी और प्लस दूसरा है सेंटर बोल्ट तोड़ने की भी। तो जैसे कि इसमें सेंटर बोल्ट हर बार टूट जाता था, तो इस बार हमने क्या करा इसमें, आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ। छोटी सी वीडियो बनाई है, बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं है ये, और आपको पता भी लग पाएगा किस तरीके से आज हमने इस काम को अंजाम दिया है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ ज़रूर। तो दोस्तों आपने देखा ट्यूब को हमने किस तरीके से दबाया और किस तरीके से हम इसमें दाब दे रहे हैं, और अब फ़िलहाल तो है सब उसे चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से इसमें क्या समस्या थी, और वो हमने चेक की है और वो समस्या का हल भी किया गया है इसमें। और जो इसमें दाब देनी थी हमने ट्यूब में, वो हमने दाब दे ही दी है और कोई समस्या नहीं है। अब जो है ट्यूब के अंदर हम जो है सुराख करेंगे ठिप्पों में, जो ठिप्पे हैं उनके सेंटर बोल्टों को हम बड़ा कर देंगे, क्योंकि कमानी के सेंटर बोल्ट बार बार टूटते थे। तो इस वजह से हमने क्या करा, तो ठिप्पे जो हैं इनमें सुराख जो है बड़े करके अब 24 नंबर का जो सेंटर बोल्ट है वो इसमें अब रखा जाएगा, क्योंकि कैंटर गाड़ी की ट्यूब है इसमें छोटा सेंटर बोल्ट होता है, तो 24 नंबर का सेंटर बोल्ट इसमें आया करेगा आराम से, इससे की समस्या नहीं होगी। तो देखें वीडियो में किस तरीके से क्या चल रहा है, बने रहें वीडियो के साथ ज़रूर देखिए। दोस्तों सुराख हो चुके हैं, सेंटर बोल्ट डालकर चेक कर लिया गया है कि पूरा फिक्स आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने इस काम को अंजाम दिया है, आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ अब हम देखेंगे कमानी के पट्टे, जो कि उसमें भी सुराख करने पड़ेंगे क्योंकि हमने सेंटर बोल्ट बड़े वाला डाल दिया है। तो दोस्तों कमानी के पट्टों में भी सुराख किया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि हमने कमानी के पट्टों में किस तरीके से सुराख किया है। और ये कमानी के पट्टे जो हैं सुराख किए जा रहे हैं, और जब भी सारे पट्टों में सुराख बराबर करना पड़ता है जिससे कि सेंटर बोल्ट आने में समस्या ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पट्टे वगैरह पड़े हैं, उठाए जा रहे हैं और इनमें सुराख किया जा रहा है। तो ये देखिए रख दिया है और ये अब दूसरा उठा लिया है। तो इसी तरीके से जो सारे पट्टे थे मैं आपको दिखा नहीं पाया, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी पट्टों में इसी माध्यम से सुराख किए गए हैं। तो अगर मैं सारे एक करके सुराख आपको दिखाने लगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं दिखा नहीं सका। इसलिए भाइयों मैंने फिर दो तीन ही सीन लिए इसके पट्टे में सुराख होते हुए। तो दोस्तों पट्टे में सुराख करने के बाद ये काम फाइनल हो जाता। तो आपको फिर ये वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, कैसे क्या ठीक लगा, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। और दोस्तों मैंने फेसबुक पे भी पेज बना लिया है और इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज है, तो वहाँ पर जाकर भी फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो फॉलो करें ज़रूर।